आई एम श्योर आप है राइटिंग और एजिंग से रिलेटेड वर्ड्स सीखने को तैयार। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में बताया था कि कैसे उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी कैलीग्राफी की स्टडी करी। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। वैसे क्या आप जानते हैं इसका एक एंटोनिम भी होता है, कैकोग्राफी। हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। ग्रीक में ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। इसको कैलोस ब्यूटी के साथ मिलाने पर बनता है कैलीग्राफी। ऐसा व्यक्ति जो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करता है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैलीग्राफिक। ऐसे ही कैकोस का मतलब होता है बैड, हार्श। इसको ग्राफीन के साथ मिलाने पर बनता है कैकोग्राफी, द आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग। ऐसा व्यक्ति जिसकी आर्ट खराब हो उसे कैकोग्राफर कहते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैकोग्राफिक। मूवीज में, इवन रियल लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनसे कहा जाता है चेक करके बताओ कि ये हैंड राइटिंग सेम इंसान की है या नहीं, चेक करके बताओ ये दस्तखत एक ही इंसान ने करे हैं या नहीं। इन्हें ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। ये ग्राफीन को लोगोस स्टडी के साथ मिलाने पर बना है। ये लोग ग्राफोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्राफोलॉजिकल। हमारा रूट वर्ड ग्राफीन कई सारे वर्ड्स में मिलता है। इसको कार्डिया के साथ मिलाते हैं तो बनता है कार्डियोग्राफ, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से दिल की एक्टिविटी लिखी जाती है। इसको फोटोन के साथ मिलाते हैं तो बनता है फोटोग्राफ, समथिंग दैट इज रिटन बाय लाइट। इसको टेली के साथ मिलाते हैं तो बनता है टेलीग्राफ, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से दूर तक लिखित संदेश भेजा जाता था। इसको फोनो के साथ मिलाते हैं तो बनता है फोनोग्राफ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से साउंड रिकॉर्ड करी जाती थी, साउंड लिखी जाती थी। वैसे टेली और फोनो को मिलाएंगे तो बनेगा टेलीफोन, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से दूर तक आवाज़ भेजी जाती है। अगर डेमोस पीपल को ग्राफीन के साथ मिलाते हैं तो बनता है डेमोग्राफी, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट करना है। सेशन के शुरुआत में हमने बात करी कैलीग्राफी और कैकोग्राफी की। अभी हमने देखा कि फोनो का मतलब होता है साउंड, तो किसी सुंदर आवाज़ के लिए कौन सा शब्द यूज़ होगा, किसी हार्श आवाज़ के लिए कौन सा शब्द यूज़ होगा। अगर बायोस का मतलब होता है लाइफ और किसी इंसान की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ना मुझे अपने सीनियर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अपनी सीनियॉरिटी का फ़ायदा उठाते थे और हमसे सारे असाइनमेंट्स लिखवाते थे। लेकिन फ्रेशर पार्टी के बाद मेरी उनसे ऐसी दोस्ती हुई कि वो मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं। वैसे सीनियर शब्द लैटिन रूट वर्ड सेनेक्स पर आधारित है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, क्योंकि सीनियर्स हमसे ओल्ड होते हैं। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेनेट्स की काउंसिल होती है जिसमें सारे ओल्ड और वाइज लोग होते हैं, वो भी सेनेक्स पर ही आधारित है। हम बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए हम सिनाइल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे ही इज़ गेटिंग ओल्ड, ही इज़ गेटिंग सिनाइल। राम इज सर्विंग हिज ओल्ड मदर, राम इज सर्विंग हिज सिनाइल मदर। आई थिंक आई एम गेटिंग सिनाइल बिकॉज आई कीप फॉरगेटिंग द कार कीज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्योंकि मैं कार की चाबियाँ हमेशा भूल जाता हूँ। बूढ़ेपन की इस अवस्था को सिनिलिटी कहते हैं और बूढ़े होने की प्रक्रिया को, एजिंग की प्रक्रिया को सिनेसेंट कहते हैं। लैटिन में वेतुस का मतलब भी ओल्ड होता है और इसी पर आधारित है शब्द वेटरन। किसी भी फील्ड के पुराने और माहिर व्यक्ति को वेटरन कहते हैं। ये शब्द नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बुफे आर द वेटरन्स ऑफ इन्वेस्टर कम्युनिटी। यहाँ पे शब्द एज अ नाउन यूज़ हुआ है। अगर हम कहें राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बुफे आर वेटरन इन्वेस्टर्स, यहाँ पे शब्द एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है क्योंकि ये उनकी विशेषता बता रहा है। वेटरन शब्द उन लोगों के लिए भी यूज़ होता है जिन्होंने डिफेंस में रह के देश की सेवा करी है, जैसे अ वेटरन ऑफ कारगिल वॉर, या फिर एन आर्मी वेटरन, मतलब इन्होंने आर्मी में रह के देश की सेवा करी है, अ नेवी वेटरन, इन्होंने नेवी में रह के देश की सेवा करी है, एन एयरफोर्स वेटरन, जिन्होंने एयरफोर्स में रह के देश की सेवा करी है। लैटिन से चलते हैं ग्रीक की ओर, जिसमें जेरॉन का मतलब होता है ओल्ड मैन। इसको लोगोस के साथ मिलाने पर बनता है जेरंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ एजिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन। ऐसा व्यक्ति जो जेरंटोलॉजी की प्रैक्टिस करता है उसे जेरंटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जेरंटोलॉजिकल। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने राइटिंग और एजिंग की बात करी।
आई एम श्योर आज के बाद आप जब भी राइटिंग और एजिंग के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में सारे वर्ड्स ज़रूर आएंगे। एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग। हम जैसे जैसे नए वर्ड्स सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जल्दी ही मिलते हैं अपने लीप कम्युनिकेशन सीरीज़ के वीडियो में। सी या।